मैं अपने बाबू सोना को जब से मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन इसका तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। पता नहीं क्या कर रहा है। बहुत देर हो गई, कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा। लगता फोन लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी मम्मी ने फोन उठा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और कहीं पापा ने उठा लिया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? चलो फोन लगा ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे यार, अंकल जी का फोन भी ना बहुत ज्यादा बजता है, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, लेकिन उठाता ही नहीं हूँ। मैं तो गेम खेलता हूँ। घंटी तो जा रही है, लेकिन कोई तो उठा ही नहीं रहा। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, शायद बाबू सोना उठा ही ले फोन। अरे यार, फिर से आ रहा है ये फोन, पता नहीं किसका। चलो उठा ही लेता हूँ, देखता हूँ किसका फोन है। अरे वाह, उठ गया फोन। हेलो हेलो हेलो, लेकिन किसी और ने उठाया, आवाज तो किसी और की आ रही है। हेलो बेटा, कौन कौन बोल रहे हो आप? हेलो कौन? मैं अपने प्यारे अंकल जी का छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा चुन्नू बोल रहा हूँ। अच्छा, आप उनके छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू भतीजे बोल रहे हो। लेकिन बेटा, एक काम कर दो मेरा, आप अपने अंकल से मेरी बात करा दो। क्या अंकल जी? अंकल जी तो है ही नहीं, अंकल जी तो आराम से बाथरूम में नहाए जा रहे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। मेरे को भी बाथरूम जाना है, लेकिन वो तो निकल ही नहीं रहे। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? कौन? मैं? बेटा, मैं तुम्हारे अंकल की जाने मन बोल रही हूँ, लेकिन इसमें भी तो लिखा हुआ है सूखे पर्वत की डायन। क्या क्या क्या?